वैसे तो इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के ब्रेकफास्ट खाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ में पराठे हैं तो साउथ में उपमा है, लेकिन आज जो हम रेसिपी बनाने जाने वाले हैं वो चीज़ ब्रेकफास्ट में सबसे पॉपुलर है पूरे इंडिया में, और वो है इडली। लेकिन हम हमारे शो में इडली को इतना प्लेन और इतना बोरिंग नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा सा कलरफुल और थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए ये कैरेट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इडली का बैटर। ये लगभग 2 कप इडली बैटर है, और इसमें हम मिलाएंगे 1 कप प्यूरेड कैरेट्स। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालिए, नहीं तो इडली का बैटर पतला हो जाएगा। कैरेट्स डालने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए, और उसमें 2 मीडियम साइज्ड अनियंस यानी प्याज जो कटे हुए हैं, और आपके स्वादानुसार ग्रीन चिलीज, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। पैन ले लेते हैं और थोड़ा सा तेल। इस तड़के के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी राई और थोड़ी सी उड़द दाल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए, और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है थोड़ी सी राई डाल दीजिए और थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सी चना दाल, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। दाल को अच्छी तरह से ब्राउन कर दीजिए। ये हमारे दाल ब्राउन हो गए हैं, हम ये सारा हमारे बैटर में डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा इडली बैटर, लेकिन हम इसे रेगुलर इडली मोल्ड में नहीं बनाएंगे, इसके लिए एक स्पेशल मोल्ड इस्तेमाल करेंगे जो है ढोकला का मोल्ड। ये हमारा ऑलरेडी ग्रीस्ड ढोकला मोल्ड है जिसमें हमें इडली बैटर पोर करना है। आप ख्याल रखिए आपकी इडली फूल जाती है बनने के बाद, तो इसलिए मोल्ड आधा ही रखिए, ज़्यादा भरिए नहीं। ये हम ढोकला मोल्ड में इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शेप दे दे जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये गए हमारे मोल्ड्स जगह पे। इसको स्टीम करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब इसे कवर करके इसे 15 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। जब तक हमारी इडली रेडी होती है हम बनाते हैं इसके लिए एक चटपटी चटनी। चटनी के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नारियल, किसा हुआ नारियल, अंदाजन हम 1/2 कप नारियल लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चना दाल। अगर आपको स्पाइसी चटनी अच्छी लगती है तो थोड़ी ज़्यादा चिली भी डाल सकते हैं। हमने ली है 1 ग्रीन चिली, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। हमारी चटनी पिस गई है, इसको हम देंगे तड़का। तड़के के लिए थोड़ा सा तेल, अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। हम हमारी चटनी निकालते हैं एक बोल में।
थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए। हमारा तेल गरम हो चुका है। थोड़ी सी राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और एक लाल मिर्च। ये अच्छी तरह से क्रैकल हो रहा है तो इसे हम डालेंगे हमारी चटनी के ऊपर। मिक्स करेंगे। लो, हमारी चटनी हो गई रेडी। अब हमारी इडली भी रेडी हो गई होगी। 15 मिनट हो गए हैं तो आइए इसको चेक करते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए इससे हम कुछ इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं। मार्केट में ये कुकी कटर्स बहुत आसानी से मिलते हैं। हम हमारी इडली को एक एक्साइटिंग शेप देंगे। इसको आप हार्ट या स्टार्स या अगर कोई कुकी कटर नहीं हो तो स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स बना के हम उसे प्लेट कर सकते हैं। ये आप पार्टीज में भी सर्व कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं। हल्के से उसको लिफ्ट कीजिए। इसमें चटनी डाल देते हैं। और सजावट के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर के स्किन के बड़े प्यारे से रोजेस बना के रखे हैं तो वो हम प्लेट में डाल देंगे। इसको पानी में रखना फ्रेश रखने के लिए। तो ये रेडी हो गई हमारी कैरेट इडली इंटरेस्टिंग शेप्स के साथ। फूड फूड इट्स सिज़लिंग।